फिर कोई बात नहीं, अब मुझे ये बताओ आप क्या गंधर्व हो गए हो? नहीं, मैं गंधर्व भी नहीं हूँ। फिर क्या आप भगवान हो गए हो? नहीं, मैं भगवान भी नहीं हूँ। फिर आप क्या कोई देवता हो गई? नहीं, मैं देवता भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। फिर कौन हो? मैं हूँ एक सम्यक संबुद्ध, हर समस्या का समाधान मेरे पास है, मैं सम्यक संबुद्ध कहलाता हूँ। आपका मुझसे कोई मतलब नहीं है, जितना इसने मुझे आपसे है उतना ही मुझे इसने सारे संसार से है। किसी को कम नहीं चाहता हूँ, ना किसी को ज्यादा चाहता हूँ, मैं मध्यम में हूँ। हमारे लिए सारा समाज एक जैसा है, मेरे लिए ना ऊंच है ना नीच है, ना छोटा है ना बड़ा है, ना राजा है भिखारी है, कुछ नहीं है। मानव मानव एक जैसा है होता है, मेरे लिए सभी समान हैं। मैं किसी को बड़ा छोटा नहीं मानता हूँ। तुम इतनी बात कहते हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये बताओ, जब मैंने तुम्हें वहां से बुलाया था तो तुम इस बगीचे में ठहरे, तो तुम्हें सुबह सुबह होते हुए मेरे घर भोजन करना जाना था, क्यों नहीं गए? राजन, आपने मुझे भोजन के लिए नहीं बुलाया था, बिना दावत बिना निमंत्रित मैं कभी किसी के घर नहीं जाता हूँ। मेरा नियम होता है, या मेरे विश्व समाज का, विश्व समाज बिना बुलाए किसी के दरवाजे पर कभी नहीं जाएगा, और जो बिना बुलाए भोजन के लिए किसी के दरवाजे पर जाएगा वो अपरिचित व्यक्ति के घर पर जाएगा, वो भी केवल भिक्षा के लिए जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। भिक्षुक को आदेश होता है कि हाँ भिक्षा टन कर सकता, कितना? जितने से उसका पेट भर जाए, जितने से उसका इतना भाड़ा हो जाए जो अपने घर से तुम्हारे घर तक आ जाए, इतना होता और कुछ नहीं। आज महाराज शुद्धोदन बड़े परेशान हो गए, कहने लगे, अब तुम एक बात बताओ, अगर तुम बिच्छु बेस में रहोगे तो ये राज कौन चलाएगा? देखिए राजन, हमने अनेकों ऐसे राज देखे हैं कि राजा के कोई पुत्र नहीं होता है, निसंतान राजा होता है। जब वो मर जाता है तो बताओ कभी उसकी राजगद्दी सूनी रहती है? नहीं। अगर सूनी नहीं रहती उसकी, तो तुम्हारे घर में एक बेटा है, अगर वो भी नहीं रहेगा फिर भी तुम्हारी ये राजगद्दी सूनी नहीं रहेगी, इसका अधिकारी कोई न कोई अवश्य हो जाएगा। बेटा, देखिए बेटा, मेरी बात मान लीजिए। नहीं, मुझे बेटा मत कहिए, आपका बेटा जब तक था तब तक आपके पास में था, आपकी हर बात को माना, आपके कहने से आपके बेटा ने विवाह किया, जबकि आपके बेटा का विवाह करने का कोई मन नहीं था, आपके कहने से आपका बेटा शिकार खेलने गया, फिर भी तुम्हारे बेटे का कोई मन नहीं था शिकार खेलने का, लेकिन तुम्हारा बेटा एक ऐसा बेटा था जो कभी किसी की हानि नहीं चाहता था, हर समय हर किसी का लाभ ही चाहता था, लेकिन आज वो तुम्हारा बेटा खत्म हो गया। अब मैं सम्यक संबुद्ध हूँ, मुझे आपसे उतना ही ताल्लुकात है जितना दुनिया के लोगों से है। आज महाराज शुद्धोदन अपने आंखों को मीजने लगे और कहने लगे, ठीक है कोई बात नहीं, तो कल वो कल आज शाम को आपका मेरे यहाँ भोजन है, मेरे घर भोजन करना। नहीं राजन, अस्वीकार है। क्यों? देखिए, आज मैंने नगर में भिक्षाटन किया है, भोजन कर चुका हूँ, अब अगर कहो तो कल का भोजन आपके यहाँ हो जाएगा, ठीक है? तो कल हमारे घर आप सभी भिक्षुओं का भोजन दान होगा। हेलो 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 हेलो, बोलिए भगवान बुद्ध की।
हेलो हेलो बोलिए भगवान बुद्ध की।